नमस्कार इन्वेस्टर्स। तो आज हम अपनी थ्री मिस्टेक ऑफ एन इन्वेस्टर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी तीन सबसे बड़ी मिस्टेक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कोई भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर अगर करता है तो वो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और कई बार इस हद तक ले जाती है कि उसको अपना इन्वेस्टिंग करियर को खत्म करना पड़ता है। तो अगेन, इस पूरी वीडियो को हम सीरीज में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में उन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हर एक पार्ट में हम एक मिस्टेक को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सब बिगेस्ट मिस्टेक, फिर सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक और लास्ट में जो लास्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट देनी पड़ जाती है उसको करके, या फिर आपके हाथ से ही इन्वेस्टिंग पूरी छूट जाती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट एक यूजर जो आपको लगता है इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है और आप उसको जानते हैं, प्लीज इस चैनल में ऐड कराइए। हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से आपकी लाइफ में, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करते रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो कौन सी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है ताकि हमारी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी स्मूथ हो और लंबी हो और हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का फायदा उठा सकें। तो तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है क्विटिंग द जॉब एंड बीइंग अ फुल टाइम इन्वेस्टर, यानी कि अपनी जॉब या जो भी आप काम करते हैं उस सबको बंद करके इस तरीके का सपना रखना कि मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग करूंगा। हम सब जानते हैं कि हम इन्वेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि एक टाइम पे हम अपनी जॉब वगैरह को छोड़ पाएं, हम वो कर पाएं जिसको हमें करने का मन है, हम अपने हिसाब से अपना जीवन जी पाएं। बट यही इस इन्वेस्टिंग का पैराडॉक्स होता है कि इन्वेस्टिंग आप तभी सक्सेसफुली कर सकते हैं अगर आपके पास एक दूसरा इनकम का साधन है। अगर आपकी डेली के जो खर्चे हैं, यानी आपके ग्रॉसरी का बिल, आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस, आपके खुद के खर्चे, घूमना फिरना, वो अगर इन्वेस्टिंग पे डिपेंड हो गए तो आप इन्वेस्टिंग हमेशा बहुत ज़्यादा प्रेशर में करेंगे। आपकी इन्वेस्टिंग का मोटिव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा हो जाएगा कि मेरे आज इस महीने के 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये कैसे बने। एंड अगेन, क्योंकि मुझे इससे अपना घर भी चलाना है एंड साथ साथ दोबारा उस पैसे को मार्केट में डालना है, तो एक ऐसी विशेष साइकिल बन जाती है कि उससे निकलना भार हो जाता है। और अगेन, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी जो हमने पुलक प्रसाद जी की सेलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बात करी थी कि एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं और उसको 10-20-30 साल के लिए होल्ड करते हैं। एंड अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10-20-30 साल तक होल्ड करना है तो आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया किसी भी प्राइस पे और वो 80-90% गिर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें हमने बहुत सारी चीज डिस्कस करी है, बट उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट का पैराडॉक्स ये है कि आप अपनी लाइफ को फ्रीली तभी जी पाएंगे जब आप उसके लिए 5-10-15 साल तक वो कॉस्ट पे करने को तैयार हैं। इन्वेस्टिंग जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है बट ये इजी चीज नहीं है। इसमें फर्क क्या है कि अगर आप बोले कि मैं पतला कैसे हूं, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोज सुबह टाइम पे उठना है, जॉगिंग करनी है या जिम जाना है और हेल्दी खाना है, सिंपल। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? इट्स नॉट ईजी। सिंपली इसी को कन्वर्ट करें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। सबको पता है अच्छी कंपनी खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, अच्छे मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करो और शांति से बैठो। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि बाय नेचर हमारे अंदर इम्पेशेंस है, बाय नेचर हमारे को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने को चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी से आज के टाइम पे हम शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं क्लिक में, ये हमारे को और ज़्यादा ईजी हो चुका है और ज़्यादा प्रोवोक करता है कि हमेशा कोई ना कोई हम डिसीजन लेते रहें। इन्वेस्टिंग में मेन डिसीजन होता है कि कौन सी कंपनी खरीदनी है। एक बार खरीद ली, उसके बाद मेजर डिसीजन होता है कुछ नहीं करना, अगली कंपनी ढूंढते रहें, जैसे जैसे अच्छी कंपनी मिलती जाए उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं। यही चीज़ होता है, उसको देखना आज क्या हो गया, आज ट्रंप जीत गया, आज हरियाणा में बीजेपी जीत गई, किसी और स्टेट में कांग्रेस जीत गई,
आज तो हमारे फेवरेट नेता ने खिचड़ी खाई, इन सब का स्टॉक मार्केट से यार आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो जब उसमें कुछ करने को ही नहीं होगा तो फिर आप दिन भर के लिए खाली हो जाएंगे, दिन भर के लिए खाली हो जाएंगे तो फिर आप इम्पेशंस होगा, तो आपको अपने आप को साबित करना होगा कि नहीं नहीं भाई स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे ऑन द टॉप रहना है, डेली अपने प्राइस को देखना है, डेली डिसाइड करना है कि बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो आपको बिजी रखने के लिए और प्लस ये टेक्नोलॉजी से हमारे पास उसका एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो गया है, तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगे रहेंगे और आप कभी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग में नहीं जा पाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करनी है और एक्चुअल वेल्थ बनानी है, आप अपनी जॉब या जो भी काम करते हैं जिससे आपको ऑपरेटिंग कैश मिलता है, क्योंकि अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। आपको देखिए पैसा बनाने के लिए पैसा पैसा पहले तो पैसा डालना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं सोच सकते कि मैं 10-20-30 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए लेके आऊंगा और मैं यहाँ से 100 करोड़ बना के लेके जाऊंगा। ये सब बहुत ज्यादा जो होता है ये फिल्मों में होता है, और आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर की ये कहानी सुनेंगे ना ये पूरी मस्त, क्योंकि ये सुनने में अच्छा होगा ना कि राकेश झुनझुनवाला आए थे 5 हज़ार से स्टार्ट करा था 40 हज़ार करोड़ है, ये रियलिटी नहीं होती। वो 5 हज़ार रुपए लेके पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद दोबारा उन्होंने जीवन में स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डाला, उसी 5 हज़ार को 40 हज़ार करोड़ बना दिया, नहीं, उनका कोई ना कोई ऑपरेटिंग इनकम रहा होगा जहां से वो इसको डिप्लॉय कर रहे होंगे। एंड अगर मान लीजिए किसी ने ये चीज कर भी दी, ट्रेडिंग कर करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट भी कर दी, वो बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है। कि उसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, डेटा क्या कहता है। डेटा कहता है कि अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग करेंगे तो बेसिकली आपको अपना घर भी उससे चलाना है, तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा, इन एंड आउट करना पड़ेगा, यानी आपको रेगुलरली बाय लो सेल हाई करना पड़ेगा और उसके बीच में जो गैप आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब पहली बात तो ये है कि बार बार सही होना अपने आप में टफ है, क्योंकि वॉरेन बफे जो इन्वेस्टिंग के फादर माने जाते हैं उसमें भी उनका हिट रेशियो होता है वो 66% से 70% के बीच में होता है। तो हम जो नौसिखिए इन्वेस्टर हैं, हम अगर 40-50% ऑफ द टाइम भी सही हो जाए तो हमारी बहुत बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं। तो एक तो इन्वेस्टिंग इज नॉट अ साइंस, तो ये आर्ट है। तो अगर आपको बार बार सही होने की आदत है, चीजों को सॉल्व करने की आदत है, तो इन्वेस्टिंग में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो एक्चुअली में आपका प्रोबेबिलिस्टिक गेम रहेगा, आपको 50-60% ऑफ द टाइम सही होना है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होगा, क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर इनकम जनरेट करनी है तो आपको रेगुलरली ठीक होना है, जो प्रोबेबिलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। डेटा कहता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल टू मेक मनी, यानी 90% जो ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाते हैं, यानी वो लॉस करते हैं। तो ऑलरेडी आपकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है सक्सेस होने की, लेकिन आप इस 10% पे भी आते हैं। ये 10% में भी होता क्या है कि जो डेटा कहता है कि 99% ऑफ दी ट्रेडर्स ओवरऑल पॉपुलेशन में 99% ऑफ दी जो ट्रेडर्स होते हैं वो FD के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। तो 90% तो पैसा ही नहीं कमा रहे हैं और 99% जो है FD का रिटर्न भी नहीं कमा पा रहे, यानी जो बचे हुए 9 हैं आखिरी 10% में से, उसमें से 9 लोग FD का रिटर्न भी नहीं कमा रहे, यानी 7% से कम कमा रहे हैं ट्रेडिंग करके। लास्ट के जो 1% बचते हैं वो FD के रिटर्न से ज्यादा कमा रहे हैं। अब उसमें भी देखना बहुत ज्यादा गैप होगा कि कुछ FD से थोड़ा सा ही ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ 10% होगा, कोई 12% होगा। जो एक्सट्रीम केस हम सुनते हैं कि ट्रेडिंग कर करके बहुत भयंकर वेल्थ क्रिएट हो गई, वो बहुत छुपे हुए होते हैं, और छुपे हुए भी होना आप टफ होता जा रहा है, क्योंकि आप एल्गो आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, AI ML आ रही है, ट्रेडिंग की इतनी भयंकर एल्गो है, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही इसमें ज्यादा का ज्यादा एडवांटेज ले जाएंगे जहां भी आर्बिट्राज अवेलेबल होगा। तो ये हर तरीके से एक लूजिंग गेम बनता जा रहा है। प्लस तो आप अगर ये विश्वास रख सकते हैं कि आप 1% लोगों में हैं टॉप के, और देखिए आपको जब भी मैं बोलूंगा ना कि 90% लूज करते हैं, आप हमेशा बोलेंगे मैं 10% वाला आदमी हूँ, क्योंकि बाय नेचर हमारे जीन्स हमारे को खुद को कभी गलत साबित नहीं करेंगे, वो अपने आप को सर्वाइवल मोड में हमेशा डालेंगे कि एक इंटरनल कॉन्फिडेंस देते रहेंगे, नहीं नहीं किसी तरीके से मैं उन 10% में आ जाऊंगा। आपको 10 में ही नहीं आना, आपको टॉप 1% में आना है। अब 1% में भी आपकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 1% वाले FD से ज्यादा रिटर्न बनाते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी है, तो आप डबल कर देते हैं कि आपको FD से डबल रिटर्न मिलेगा। तो आप अगर FD का रिटर्न आज के टाइम पे इंडिया में 6% है, तो आपको 12% रिटर्न मिलेगा। तो आपको अगर इन्वेस्टिंग से 1 लाख रुपए महीना कमाना है, आप बैंगलोर पुणे मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो मिनिमम ही आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो आपको 12% रिटर्न अगर आप जनरेट कर सकते हैं, तो 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए इस तरीके का रिटर्न बनाने के लिए। क्योंकि 1 करोड़ रुपए अगर आप 12% बनाएंगे तो आपका 12 लाख रुपए का रिटर्न बनेगा,
और आप 1 लाख रुपए महीने से अपना घर चला पाएंगे। पहली बात है तो पहले इतना टफ है, 1% में आपको आना है, 1% में भी एफडी को बीट करते हैं, एफडी से डबल कमाना है वो और कम हो गया, प्लस उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। एंड 1 करोड़ के साथ आप बार बार ही लो प्रोबेबिलिटी वाला गेम खेलेंगे तो हो सकता है वो 1 करोड़ अगर आपके पास है भी वो भी गायब हो जाए। तो ये जो कहानीबाजी होती है ना कि मैं ट्रेडिंग से घर चला लूंगा, मैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग करूंगा, ये एक लेवल के बाद अचीव होता है और ये सिर्फ इन्वेस्टिंग से अचीव होता है, ये 10 15 20 साल के हसल के बाद अचीव होता है। जब तक आप अपने आप को क्लियरली ये नहीं बताएंगे आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे, डिसअपॉइंट होंगे और कहीं ना कहीं आप एक टाइम के बाद इन्वेस्टिंग छोड़ देंगे, या तो आपका साइकोलॉजिकल मेंटल पावर खत्म हो जाएगी या आपका पैसा खत्म हो जाएगा, दोनों केस आपके लिए अच्छे नहीं है। नाउ अगेन इसको कैलकुलेशन को डिफरेंट लगे, मान लें आपके पास 1 करोड़ रुपए है भी, तो आप ये देखिए ना कि आप 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है भी, आप ट्रेडर नहीं बने, मैं कह रहा हूँ आपने पैसा अपना निफ्टी 50 इंडेक्स में डाल दिया, आपको कोई इन्वेस्टिंग नहीं आती, तो निफ्टी 50 इंडेक्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको 12% का रिटर्न दे देगा। अब यानी उस 1 करोड़ रुपए में हर साल 12 लाख रुपए बिना कुछ करे कमा लूंगा। ट्रेडिंग में मुझे दिन भर इसमें लगे रहना है, अपना माथा खपाना है, अपने आप को साइकोलॉजिकली इम्बेलेंस करना है और अपनी रिलेशनशिप खराब करनी है लोगों से, गुस्से में रहना है, हर चीज जो गलत हो सकती है वो आपके साथ होगी। निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है भी तो 12 लाख रुपए तो आप बिना कुछ करे कमा सकते हैं। प्लस मैं अज्यूम करता हूं कि आप अपने लिए 12 लाख रुपए की नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब इंडेक्स फंड में पैसा डाला है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, और एक अजम्पशन ले रहा हूं आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, बैंगलोर वगैरह में काम करते हैं, आप 12 लाख रुपए साल के कमा भी सकते हैं। तो 12 लाख रुपए 1 करोड़ से आपको निफ्टी ने दे दिए और जो आपका टाइम फ्री हो गया उससे आपने 12 लाख रुपए एडिशनल कमा लिए, तो आपका जो सेम 1 करोड़ का कैपिटल था 12 आपको उसने दे दिए, 12 आपका टाइम फ्री हुआ आपने वहां कमा लिए, तो आपकी टोटल अर्निंग हो जाएगी 24 लाख रुपए। तो अगर आप रिटर्न मान लें तो आपके पास 1 करोड़ से आपने 24 लाख कमा लिए, सेम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम जो आप इन्वेस्ट करते ट्रेडिंग में आपने वो जॉब करी, तो मैथमेटिकली भी ये सेंस नहीं बना रहा है। ये जो बातें हैं ना, देखो इस देश को पूरा बर्बाद करा है एक जनरेशन वाइज जनरेशन, एक जनरेशन को बर्बाद करा है करण जौहर, शाहरुख खान, इन सबकी मूवीज ने रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कि क्या परिवार होता है, क्या फैमिली होती है, बागबान का भी खुशी बर्बाद कर डाला, एक जनरेशन को पूरा बर्बाद कर डाला है रणबीर कपूर की, देखिए उन्होंने जान के नहीं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, हमारे को कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली नहीं होती, आप बोल सकते हैं मैं इंडिपेंडेंट थिंक करूं, मैं अपने हिसाब से सोचता हूं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, क्या जीवन होता है, अर्ली रिटायरमेंट, एक बार पैसा कमा लेना फिर अपने मन की करना, ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं फाइनेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम को चेज नहीं करना है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फीड करेगा, आप क्वेश्चन करिए आए कहाँ से, ये तमाशा जैसी मूवी, ये जवानी है दीवानी जैसी मूवी जो हमारे माइंड के साथ खेलती है, ना ही वो जो कैरेक्टर है वो हमारी हमारी लाइफ उनकी तरीके की है, ना उन आप अज्यूम भी कर ले हम बता रहे हैं कि उस पिक्चर में वो बहुत अमीर थे इसलिए वो कर पाए, ना ही हम उस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ना ही ये रियलिटी हमारे जो कंटेक्स्ट से मिडिल क्लास के उसके साथ स्ट्राइक करती है, लेकिन हम उसको जीवन भर चेस करते रह जाते हैं कि हम भी जो मन होगा वो करेंगे, फाइनेंशियली फ्री होंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। होता है क्या ना, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर इतनी आसान होती तो उसकी वैल्यू ही नहीं होती, और ये आसान होनी भी नहीं चाहिए। वाई इट शुड बी ईजी टू मेक मनी, पैसा बनाना आसान क्यों होना चाहिए, वरना सब नहीं बना लें। वाई इट शुड बी ईजी टू बी हैप्पी, वरना सब नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें टफ ही होती हैं और ये टफ होनी चाहिए, तभी तो इसको अचीव करना कोई अचीवमेंट है। अदरवाइज अगर ये कॉमन है, ये सबको इजीली मिल सकती है, तो एट द एंड ये हम किसी को भी हैप्पीनेस नहीं देगी, ये हम कुछ भी इसको अचीव करके कोई भी अपने अंदर इंटरनल पीस नहीं लेके आ पाएंगे। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं रिटायर अर्ली, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता 40 के बाद, ऐसा नहीं, आप वॉरेन बफे चार्ली मंगर से सीखिए। चार्ली मंगर 99 ईयर्स और 11 मंथ के आसपास एक्सपायर हुए, उससे 7 दिन पहले भी अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि उनको वही चीज जिंदा रखती है डेली वो करना जिससे वो चीज प्यार करते हैं। वॉरेन बफे आज भी अपनी कंपनी के सीईओ हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट होने का, उनका थॉट प्रोसेस जो होता है, तभी मैं बोलता हूँ इन लोगों का पढ़ोगे ना आप इन्वेस्टर बनना पाओ आप अपनी लाइफ के कई सारे जो मिस्टेक्स होते हैं, हमारे दिमाग जो हमारे साथ लोचा करता है, दिमाग का दही, ये हमारे आसपास की सोशल मीडिया कंटेंट, मूवीज, बचपन से न्यूज, हर चीज जो फीड करी गई है, हम इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं है। वो इंडिपेंडेंट थिंकर बनते कैसे हैं, ये सारी बात उसकी करते हैं। कभी आपको चार्ली मंगर और वॉरेन बफे स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप देते हुए नहीं दिखेंगे, कभी वो आपको कंपनी का बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, ये सब नहीं बताते हुए दिखेंगे, ये सब आपको खुद करना है।
वो आपके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग कर देंगे, उनकी हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस जो उन्होंने बात करी है वो अपने आप पे इतनी बड़ी लर्निंग है, इतने बढ़िया बढ़िया मेंटल मॉडल्स हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ हो, इन्वेस्टिंग लाइफ हो, उसके आप किसी को क्लियर करते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कभी भी फुल टाइम इन्वेस्टिंग में नहीं जाना है, आपके साथ साथ कोई ना कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब आप उसके लिए 10-15 साल पे करने को रेडी हैं। अगर आप उसको पे करने को रेडी नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग से आज नहीं तो कल बाहर हो जाएंगे। ट्रेडिंग में आज आपका बनेगा, कल प्रॉफिट बनेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें पैसा बनाना लगभग नामुमकिन है। कई लोग इस बारे में इस तरीके से बहस करते हैं कि जब भी रिपोर्ट आती है कि ट्रेडिंग में 90% लोग ही तो 90% लोग पैसा नहीं बना पाते, वो कहते हैं ये तो हर फील्ड में होता है, आईएएस ऑफिसर तो 1% ही लोग बन पाते हैं, 99% लोग नहीं बन पाते जो एग्जाम दे रहे होते हैं, सक्सेसफुल एक्टर भी 90% लोग नहीं बन पाते, कोई भी एग्जाम हो IIT में जाने वाले 90% लोग नहीं जा पाते। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा नहीं है, जो 90% लोग लेट सपोज IIT जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते तो वो पैसा खो नहीं रहे हैं, ट्रेडिंग में वो 90% लोग पैसा खो रहे हैं। हो क्या रहा है, जो IIT नहीं जा पा रहे वो कहीं और जा रहे हैं, वो किसी और IIT में जा रहे हैं, वो BIT, CIT, MIT, DIT, ZIT हर जगह जा रहे हैं, वो तब भी कोई 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 70,000 रुपये महीना कमा रहा है, IIT वाला 10 लाख रुपये महीना कमा रहा है। तो एट दी एंड सब कमा रहे हैं, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन जो ये ट्रेडिंग वाला गेम है इसमें या तो कुछ लोग कमा रहे हैं लिमिटेड, जैसे मैंने बताया था 1%, क्योंकि मैं जो FD का रिटर्न कमा रहा उसको कमाई नहीं मानूंगा, वो तो आपकी ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैसा गंवा रहे हैं। तो इसको जब भी कोई आपको ऐसा लॉजिक देना कि बाकी फील्ड में भी ऐसे होता है कि 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, उनसे ये बोलना कि वो जो 10% सक्सेस होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज उनको मिलते हैं, लेकिन वो जो बाकी 90% होते हैं ऐसा नहीं, वो रिसोर्सेज को खोते हैं, वो भी कमाते हैं, कम कमाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा है कि वो 90% खोते हैं और वो 10% ही कमाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ इस चैनल में सब्सक्राइबर ऐड कराएं, अपनी तरीके से एटलीस्ट एक सब्सक्राइबर ऐड कराने की कोशिश करें, इसी तरीके से हम कंटेंट बनाते रहेंगे और आपको चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारा तरफ से थैंक यू। जय हिंद।